हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत सिंपल है वैसे तो हेयर कलर के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ज़रूरत होगी ये जानने की कि कैसे हेयर कलर लगाना चाहिए, एंड स्पेशली इस बारे में कि मैं कौन सा हेयर कलर लगा रही हूँ। तो वो ये है जो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और ये थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ता है और इसको आप इजीली शॉप से जाके बाहर से जाके ले सकते हैं। अगर लिंक मिल जाएगा मुझे अमेज़ॉन का या किसी का तो मैं आपको इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉटल जो कि जनरली आप सैलून में देखते हैं। सैलून में ऐसी बॉटल्स मिलती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और बॉटल आप एक ले सकते हैं, लेकिन ये ट्यूब जो है आपको ये कहीं भी शॉप से मिल जाएगी। मैंने ये पर्सनली दिल्ली में गफ्फार मार्केट है वहाँ से ली है। तो इसमें मेरा शेड जो है वो 4 है, और वो बिल्कुल जेट ब्लैक भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक लगता है, नेचुरल लगता है कलर पे, सॉरी बालों पे। और ये इस तरह की ट्यूब है जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉरियल की है ये दोनों ही, बॉटल भी लॉरियल की है और ये वाली ट्यूब भी है जो कलर की, ये वाली भी लॉरियल की है। तो काफ़ी अच्छा है ये कलर और बिल्कुल भी आपको आर्टिफिशियल लुक नहीं देता। आपको ऐसा एक ब्रश और एक ऐसा कुछ टब सा चाहिए होगा जिसमें आप अपना हेयर कलर मिक्स कर लें, और कोम भी चाहिए बिकॉज आपको बीच बीच में कोम करके अपने बाल जो है वो सेट करने होते हैं। तो मैंने देख सकते हैं आप कि ले रही हूँ कितना डेवलपर ले रही हूँ, इतना सा ही लूँगी क्योंकि मुझे खाली आगे वाले बालों में प्रॉब्लम है, मुझे मेरे पूरे बाल वाइट नहीं है, तो थोड़े से बालों के लिए इतना बहुत है। एंड इसमें मैं मिक्स करूँगी अब अपना क्रीम कलरेंट जो होता है मेन, तो ये मैं इस क्वांटिटी में, आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, इस क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए इसको। और अभी ये न्यू बॉटल है तो ऑब्वियसली इसको ओपन करना पड़ रहा है, तो इस क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद आपको उसको बालों में, मतलब एक एक स्ट्रैंड को लेकर अच्छे से पेशेंस लेकर जो है लगाना है, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं इतनी ही चीज़ें लगेंगी अगर आपको खुद से अपना कलर लगाना है। एक्चुअली खुद से कलर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर कोई और आपके कलर लगा रहा हो तो फिर भी आसान हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जैसे मेरा राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हेड, उसमें कलर लगाना मुझे आसान होता है, बट मैं जब लेफ़्ट की तरफ जाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कलर को आप इस तरह से अच्छे से मिक्स करिएगा, बिल्कुल भी उसमें ना ऐसे गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, पूरा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाना चाहिए कलर। और आपको अंदाज़ा लग जाएगा थोड़े टाइम बाद कि आपको कितना कलर लेना है, तो आपका वेस्ट भी नहीं होगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यू नो आपके कितने बाल हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लेके कर लीजिए। जब आप 2-3 बार लगा लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा कलर जो है रेडी है, अब मैं अपने बाल खोलूँगी और थोड़ा सा पहले से पूरे बालों को कोम करने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि मुझे पूरे बालों में नहीं लगाना है, बस आगे आगे लगाना है। तो मैं खाली जो अपने सामने वाले बाल हैं ना इनको ही कलर करूँगी। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मेरे हेयर में कि मेरे ना वो नहीं होते हैं बेबी हेयर जो होते हैं, जो आगे आगे वाले होते हैं, जो खड़े रहते हैं हमेशा थोड़े थोड़े, वो वाले मेरे बाल जो है वो थोड़े से वाइट है, तो उनको मुझे कलर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो बहुत जल्दी जो है फिर से वाइट होने लगते हैं। वैसे मैंने एक और तरीका भी अभी देखा है रिसेंटली एक वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में एक डॉक्टर ने दिखाया है अपने हेयर को नेचुरली कलर करने का विदाउट एनी हेयर कलर, वो भी मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी। इस तरह से आप जो है ना जो ब्रश का पीछे वाला टिप होता है इससे अपने पार्टिंग कर सकते हैं, तो इससे पार्टिंग करने में आपकी पार्टिंग भी अच्छे से होगी और एक एक जगह एक एक स्ट्रैंड पे आपके बालों के स्ट्रैंड पे हेयर कलर लग जाएगा। तो वो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहले मैं खुद पे ट्राई करूँगी एंड देन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पता चला आप भी इतनी मेहनत करो और फिर वो वेस्ट हो जाए, तो पहले मैं ही ट्राई कर लेती हूँ एंड अगर मुझे यूज़फुल लगेगा तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये इस तरह से मैं सारे बालों में लगा लूँगी। अब पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो आगे जो वीडियो शूट किया था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, जिसमें मैं पूरा एंड तक अपने एक एक बालों में आपको लगा के कलर दिखाया है, वो मुझे तो दुख हुआ, वो शूट ही नहीं हुआ, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो एनीवेज कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट के लिए एक छोटा सा वीडियो शूट किया था, वो मैं आपको आगे दिख जाएगा। तो ऐसे करके मैं पूरे बालों में, मतलब पूरे नहीं, मतलब जो आगे आगे वाले बाल हैं उसमें मैं ऐसे करके पार्टिंग कर करके मैं लगा रही हूँ, और वो वीडियो डिलीट हो गया। तो फिर आप आगे शॉर्ट में देख सकते हो कि मेरे बाल पूरे कलरों के कैसे लग रहे थे, कुछ इस तरह से लग रहे थे। और फिर मैंने इसको ना बांध लिया था अच्छे से, पीछे टाई कर लिया था ताकि, और इसको मैंने रखा था 40-45 मिनट्स तक, इतना ही रखना है एंड उसके बाद अब मेरे बालों का रिजल्ट। सो आई एम डन विद माई हेयर कलर और मेरे बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं दे आर ऑल कलर्ड नाउ प्रॉपरली। वेट, आई विल शो यू इन सम लाइट, सो यू कैन सी दे आर ऑल कलर्ड एंड आई थिंक अच्छे से कलर हुए हैं, कोई भी एक भी वाइट स्ट्रैंड नहीं दिख रहा है। एंड सो अगर आप
अच्छे से ठीक से टाइम लेके कलर करेंगे, सो यू नो यू विल फील कि आपके एक एक स्ट्रैंड पे अच्छे से हेयर कलर लग गया है. और बाकी चीज़ें तो आपको पता चलेगी होंगी, बाकी चीज़ें जो लिंक्स हैं प्रोडक्ट्स के वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो फिर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ 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 अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, सो लाइक दे दीजिए इस वीडियो को सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर पीपल. एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नए हैं मेरे चैनल पे, या फिर अगर देखते हैं वीडियोस और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आई विल सी यू सुपर सून इन सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू शूट इट फॉर यू. एंड बस आज के लिए इतना ही, हैप्पी संडे एंड बाय, टेक केयर.